हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ ने सचिवालय परिसर में आज जनरल हाउस का आयोजन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष संजीव कुमार शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से डीए जारी करने की मांग पूरी करने पर आभार व्यक्त किया। जनरल हाउस में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि आज कर्मचारियों के हाव भाव और जोश में कुछ कमी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि सचिवालय कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने ही कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि कर्मचारी ही उनकी ताकत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी जो मांगे मानी हैं उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन अब तक जो मिला है वो काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की अन्य मांगे अब भी लंबित है। पिछली बार जनरल हाउस का आयोजन करने के बाद कई कर्मचारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया गया। उन्होंने मांग उठाई कि जल्द से जल्द इस नोटिस को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि उन पर थाना छोटा शिमला में एफआईआर दर्ज करने के लिए एक पत्र भी आया है। उन्होंने कहा कि उनकी सारी लड़ाई कर्मचारियों के हित के लिए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह राज्य सरकार की ओर से की गई घोषणाओं का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन उनकी अन्य मांगे अब भी बरकरार है। देखिए, जहाँ तक जनरल हाउस की बात है, ये तो हमारा पूर्व प्रस्तावित जनरल हाउस था जो आज होना ही था, लेकिन इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने जो हमारी एक मांग थी, मुख्य मांग थी, उसको पूरा कर दिया था। जैसे कि 4% ADA की किस्त दे दी है 1/1/2023 से। उसके साथ साथ पूरे प्रदेश के जो पेंशनर है उनके जो पेंडिंग मेडिकल बिल थे उनको भी एक मुश्त क्लियर करने का उन्होंने घोषणा की है। इसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे बड़ी घोषणा की है वो जो है इस बार जो है 28 तारीख को पेंशनरों को उनकी पेंशन, वो कर्मचारी को उनकी तनख्वाह मिलेगी। और एक और उन्होंने जो घोषणा की है, जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनको 20,000 रुपए की एक किस्त जो है जो उनका एरियर था वो देने की भी घोषणा की है। इसके लिए मैं आपके सभी चैनल के माध्यम से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है उनका अनेक अनेक धन्यवाद करता हूँ। नहीं देखिए, हम बहुत जल्द शायद हमारी अभी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होने वाली है। उसके बाद एक हमारी जो अहम बैठक होगी मुख्य सचिव महोदय के साथ, उसमें हम जो भी हमारे ये जो एरियर है DA का एरियर रहता है 1/7/2022 से 21 महीने का वो है, और साथ में जो पे एरियर है 2016 का नए पे स्केल का, उसके बारे में भी हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि उसको भी बहुत जल्द से जल्द चरणबद्ध तरीके से कर्मचारी को देने की। नहीं, जो अभी उन्होंने घोषणाएं की है उससे कर्मचारी काफ़ी हद तक संतुष्ट है। देखिए, जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है हमें उसको भी देखना है। ये हमारा परिवार है, जो सचिवालय है हमारी, जो पहले जो माननीय मुख्यमंत्री है वो सचिवालय के मुखिया होते हैं, उसके बाद वो प्रदेश के मुखिया होते हैं। तो ठीक है, जो इन्होंने इतनी बड़ी घोषणा की है 600 करोड़ रुपए प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनों को दिए हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक मैंने कहा कि एरियर की बात है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, जहाँ तक फ्री रेंज मोशन की बात है, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हमें हमारे कर्मचारियों ने कहा कि देखिए हमारी ये मांगे हैं कि आपको बाहर आना पड़ेगा, तो हम आप बाहर आए, हमने रोष व्यक्त किया। इस रोष में, इन मांगों में जो हमारी थी, मांगे थी, इसमें हमारे सचिवालय कर्मचारी के साथ साथ हमें पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का, पूरे प्रदेश के पेंशनों का साथ मिला और हमने ये मिलजुल के लड़ाई लड़ी। अब इसका जो अंजाम हुआ वो आप लोगों के सामने है। पहला जनरल हाउस हुआ, हमें मेमो इशू किया गया। दूसरा जनरल हाउस हुआ, हमें प्रिविलेज मोशन हमारे ऊपर लाया गया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि भले ही हमारे ऊपर प्रिविलेज मोशन लाया गया, हमें मेमो इशू किया गया, पता तो चला कि हमारे ऊपर FIR भी हो रही है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं सफल हुआ हूँ अपने कर्मचारियों के सहयोग की वजह से, अपने प्रदेश के कर्मचारियों की सहयोग की वजह से, अपने प्रदेश के पेंशनों की सहयोग की तरफ से, उनके सहयोग की वजह से हम आज सफल हुए हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री को जो सैलरी है वो भी 28 को देनी पड़ी, हमें ADA की किस्त भी देनी पड़ी, हमें एरियर का कुछ हमारे कर्मचारी को अंश भी देना पड़ा। तो इसीलिए हमें अपने एरियर, हमें अपने प्रिविलेज मोशन और मेमो के बारे में अभी फिलहाल कुछ नहीं कहना है।